भोले बाबा की नगरी देवघर में लगातार दूसरे साल भी इस बार श्रावणी मेला स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस दौरान लोगों को देवघर पहुंचने से रोकने के लिए सभी अंतर्राज्यीय सीमा को सील कर दिया गया है। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह द्वारा इन सभी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। तो इसीलिए हम सभी लोग जायजा लेने के लाए ताकि सभी लोगों को जानकारी रहे कि मंदिर में जो पारंपरिक पूजा जो है सिर्फ पुरोहित समाज द्वारा किया जा रहा है सुबह शाम को, और उसका लाइव टेलीकास्टिंग भी हम लोग सुबह शाम jharghav.tv के माध्यम से कर रहे हैं, और उसका फीड भी विभिन्न टेलीविज़न चैनल्स को भी हम लोग दे रहे हैं। और क्योंकि अभी तत्काल इस महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं का अभी प्रतिबंधित है यहाँ अंदर, लेकिन हर साल क्या होती है कि सावन में बिहार और अलग अलग राज्यों से लोग देवघर प्रवेश के सभी पॉइंट्स पर, खास करके अंतर्राज्य सीमाओं पर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त बल की भी तैनाती कर दी गई है। उपायुक्त ने जानकारी दी कि मंदिर बंद रहने के कारण सिर्फ सुबह शाम बाबा के पूजा अर्चना होगी, जिसका लाइव टेलीकास्ट झारखंड टीवी के माध्यम से किया जाएगा। वहीं देवघर एसपी ने बताया कि शिवगंगा की भी बैरिकेडिंग कर शिवगंगा में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। झारखंड के दूसरे जिले से भी देवघर पहुंचने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। जाहिर है कि कल यानी 25 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है, जिसके मद्देनजर बाबा की नगरी में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। संख्या में बल की एग्जैक्ट संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि संख्या में वृद्धि हो रही है। हम लोग चेक को शिफ्ट भी कर रहे हैं, यूटिलिटी जांच करके शिफ्ट कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।